दोस्तों इंडिया की टॉप नंबर वन क्रिटिक केआरके भाई साहब ने अपना रिव्यू कर दिया है टाइगर सी को लेकर। पिछले 24 घंटों में उन्होंने इतनी आग उगली है, इतना जहर उगला है कि एक नॉर्मल फिल्म होती वो घुटने टेक देती। लेकिन मैंने बार बार कहा था ना तो केआरके का रिव्यू से कुछ फर्क पड़ने वाला सलमान खान के स्टारडम को, ना ही टाइगर थ्री को, ना ही उनका प्रेडिक्शन सही होने वाला है। 25 से 30 करोड़ का प्रेडिक्शन देने वाले केआरके का प्रेडिक्शन गलत हुआ है और उनका लाइफ टाइम प्रेडिक्शन जो 150 करोड़ से 175 करोड़ का है वो भी गलत होगा और ये ज़्यादा दिन नहीं, आने वाले 3 से 4 दिनों में हो जाएगा और उनका प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत होगा। और केआरके की बात करें तो उन्होंने फिल्म को जो रेटिंग दी है वो 0 स्टार दी है और मतलब उन्होंने जितना हो सका, कोई कितना बुरा या कितना गलत जा सकता है या कितना नेगेटिव रिव्यू कर सकता है उन्होंने किया। उनके हिसाब से ये फिल्म गणपत जो फिल्म है उससे भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि उनको भी उन्होंने कुछ तो रेटिंग दी ही होगी, उससे भी ज़्यादा बुरी तरह रेटिंग उन्होंने दी है इस फिल्म को, 0 स्टार की रेटिंग। और फिल्म ने कुछ तारीफ नहीं की है, सिर्फ लोकेशंस की तारीफ की है और किसी चीज़ की तारीफ नहीं की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक जेन्यून रिव्यूअर्स है तो आप लॉजिकली अगर बात करते, आप कह सकते थे कि कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स बेहतर है, अच्छे है, इमरान हाशमी का काम अच्छा है, सलमान खान का काम अच्छा है, शाहरुख खान का काम अच्छा है, सिवाय आपने शाहरुख खान की थोड़ी बहुत तारीफ की होगी, वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की, आखिर आपने रंग दिखा दिया है। आपने ये कहा कि जैसे मिथुन दास साइकिल के पीछे छुप कर लोग बंदूक मारते, गोलियां मारते उन्हें, तो उन्हें गोली नहीं लगती, वो साइकिल के पीछे छुपे रहते जब उनको गोली लग सकती थी, तो मिथुन दास को ही पीछे कर दिया है। कुछ ऐसे सीन्स है शाहरुख खान के जहाँ पे गोलियां उनको बहुत सही चल रही है और वो किसी जाली के पीछे छुपे उनको गोलियां नहीं लग रही, तो उस सीन के ऊपर शाहरुख खान का भी मजाक बना दिया है केआरके ने। तो जो शाहरुख खान फैंस जो ये सोच रहे होंगे कि शाहरुख खान का मजाक नहीं बनाते केआरके और पठान और जवान के बाद चुप हो गए केआरके, देख लीजिए उनका असली चेहरा आपके सामने भी नजर आ गया होगा। उन्होंने शाहरुख खान का मजाक बनाया और शाहरुख खान के टाइगर थ्री के सीन को बिल्कुल मिथुन दास की एक फिल्म के जो बिगर फिल्म के सीन से कंपेयर कर दिया। मैं यहाँ पे मिथुन दास की बुराई नहीं कर रहा, मिथुन दास टॉप के स्टार है, उनका कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान की बेइज्जती की है और हंसी मजाक उड़ाया है। और जहाँ तक सलमान खान की बात करें, सलमान खान के भी काम को उन्होंने बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। मैं आपको वापस से यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कैटरीना कैफ ने अपना 100% दिया है और 100% दिया और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काम किए। ये बिल्कुल वही बात हुई, इन्होंने कहा कि कैटरीना कैफ को हिंदी बोलनी नहीं आती, 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, क्या मतलब है, फिर भी फिल्म पे फिल्म देती जा रही है, उनकी उम्र हो गई है। भाई उम्र उनकी हो गई तो उम्र तो तेरी भी हो गई है, उम्र तो मेरी भी हो रही है, उम्र तो धीरे धीरे सबकी होती ही जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है हर कोई हमेशा यंग बना रहेगा, ये तुमको भी पता है हमको भी पता है। तो केआरके भाई साहब, जहाँ तक कैटरीना कैफ की बात है, उन्होंने अपना किरदार बड़ी ही इंटेंसिटी, बड़ी ऑनेस्टी और बहुत बढ़िया तरह से निभाया है। और मुझे फिल्म के बारे में, मैं इस बाद में बात करूँगा, मैं सिर्फ कैटरीना कैफ के बारे में बोलूँ तो वो तवल वाला एक्शन सीन ले लो, स्टार्टिंग में जब फेस ऑफ होता है सलमान खान और कैटरीना कैफ का, वो वाला सीन ले लो, या एंड में जितने भी एक्शन सीन्स कैटरीना कैफ ने किए हैं, ये हलवा नहीं है, बहुत बहुत खतरनाक है। और कल ही मैं किसी से बात करता, उन्होंने कहा कि भाई देखो अगर कि जैसे दीपिका पादुकोण पठान की गर्लफ्रेंड आपको पता ही है, यानी कि टाइगर और क्या बोलते हैं पठान दोनों ही गर्लफ्रेंड लोग की फिल्म हो कैटरीना कैफ वर्सेस दीपिका पादुकोण, तो कैटरीना कैफ भारी पड़ेगी दीपिका पादुकोण पर। यहाँ तक एक बंदे ने मुझसे बात करते हुए कहा, मेरे एक अच्छे दोस्त है, और साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कैटरीना कैफ ने अभी तक का फीमेल एक्शन में टॉप लेवल के एक्शन किया। ऑफकोर्स इसके पहले धाकड़ फिल्म में कंगना ने भी अच्छा एक्शन किया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल कैटरीना कैफ का ये बेस्ट एक्शन था, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और मैंने टाइगर जिंदा है वक्त पे भी मैंने रिव्यू दिया था, उसमें मैंने साफ कहा था कैटरीना कैफ का एक्शन उसमें भी काफ़ी अच्छा था। तो इस एज में ये फिटनेस के साथ इस तरह का एक्शन करना, ये ताली बजाने वाली बात है दोस्तों। तो केआरके भाई साहब कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी तारीफें कर सकते हैं, आपने एक्शन की कुछ थोड़ी बहुत तारीफ की है, ये मुझे अच्छा लगा कि आपको कुछ तो समझ है। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि केआरके अगर आपको जेन्यून रिव्यू देना चाहिए था, एकदम जेन्यून भी आप जाते, आप 2.5 स्टार से नीचे जा नहीं सकते थे, 2.5-3 दे सकते थे, चलो आपके हिसाब से 2 भी दे सकते थे, आपने 0 स्टार दिए, इसका मतलब साफ झलकता है कि आप नंबर वन क्रिटिक तो हो नहीं,
अब नंबर 10 क्रिटिक हो या नंबर 100 क्रिटिक हो, उधर तक का आपका नंबर ज्यादा, क्योंकि एक एक नॉर्मल इंसान भी अगर कोई भी फिल्म देखता है, उसे फिल्म पसंद आए उसके लिए देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, और फिल्म में एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट, और आपने बार बार कहा है कि पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान की स्टोरी है। हाँ, पाकिस्तान की स्टोरी है, बिल्कुल पाकिस्तान की स्टोरी है, और हमारे इंडिया और पाकिस्तान में एक वक्त पर अमन था, हम जानते हैं, उसके बाद में जो चीज़ें वो भी हम जानते हैं, और उसके बाद अमन की कोशिश, एक फिल्म अगर अमन की कोशिश करती है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है, और सलमान खान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। इंडिया पाकिस्तान पे बजेंगे भाईजान भी फिल्म थी, तो फिल्म का माध्यम ही है लोगों को जोड़ना, और बाकी द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रॉब्लम्स है दोनों कंट्रीज़ में, ये सभी आप वाकिफ़ हैं। अगर उसके बावजूद कोई फिल्म अगर दोनों देशों को जोड़ने का काम करती है, चीज़ों को हमेशा इंडिया जान जाता है चीज़ें जोड़ने के लिए ना कि तोड़ने के लिए, तो एक फिल्म अगर ऐसी मुहिम पर बनती है, एक अच्छा काम करती है, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। एक अच्छी फिल्म एक अच्छी नीयत से बनाई गई फिल्म है, और जब एक अच्छी नीयत से आप फिल्म बनाते हैं तो आप उसे इस तरह से प्लीज़ आप ट्रोल और वाहियात प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि सबसे ऊपर सभी जात धर्म कंट्री से ऊपर आता है मानवता, ह्यूमैनिटी, और इस फिल्म में ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है, अच्छा मैसेज दिया है। आई थिंक उस तरह से आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको कभी ये फिल्म बुरी नहीं लगेगी, ये मेरा मानना है। जहाँ तक मनीष शर्मा के डायरेक्शन की बात है, फैन उनकी जो फिल्म थी वो उस समय के हिसाब से वो ठीक ठाक फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, सेकेंड हाफ में उसमें कचरा किया गया था, मैं मानता हूँ, मज़ा नहीं आया था मुझे भी, लेकिन मनीष शर्मा ने यहाँ पे अपना डबल 200% दिया है, कोशिश उन्होंने की है, हालांकि उनका बेस्ट आउटपुट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की है। और कोई अच्छी कोशिश करता है, देखिए रेस में कौन जीतता है पहला लास्ट फर्क नहीं पड़ता है, रेस में हिस्सा लेना ये फ़र्क पड़ता है, जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं फ़र्क पड़ता है। मनीष शर्मा ने हिस्सा लिया, अपनी जो उन्होंने जो डायरेक्शन पे भरोसा दिखाया था उनको वायरफ ने, उन्होंने उस भरोसे पर कहीं ना कहीं अपनी जो रेस है वो दौड़ी है। अब ऑडियंस कितना तालियां बजाती है, क्या अप्रिशिएट करती नहीं करती, वो उसके ऊपर है। एक्शन में इस फिल्म को आप मात दे नहीं सकते, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सिद्धार्थ आनंद के एक्शन सीन्स कोरियोग्राफी में, इनके एक्शन सीन्स कोरियोग्राफी में फ़र्क है, लेकिन एक्शन सीन्स यहाँ पर भी कम नहीं आया। मेरा सबसे बेस्ट एक्शन सीन वो तवल वाला एक्शन सीन था, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि बहुत रियल था और बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो कुल मिला के केआरके भाई साहब, आपका टाइम आ गया है, आपका रिव्यूज भी नहीं चल रहा ज्यादा, वो समझ में आ रहा है, चलेगा, मेरे को लगता है हेटेड ज्यादा है लोगों में, तो शायद लोग देखेंगे आपके रिव्यूज, डजंट मैटर, लेकिन आपका कोई प्रेडिक्शन सही नहीं होने वाला है। और सलमान खान को लेकर आप कितना भी ट्रोल करें, आपने कहा था फिल्म रिलीज से पहले कि मैं सलमान खान को सड़क पर ले आऊंगा, सड़क पे नहीं लेके आ सकते आप सलमान खान, सलमान खान बाकी फैंस जो है इंडिया के जो पब्लिक है उनके सर का ताज है सलमान खान, आप उन्हें फर्श पर नहीं ला सकते, क्योंकि फर्श पर ऑलरेडी एक इंसान बैठा है, वो हो आप, अब वो आपकी जगह है फर्श पर, सड़क पर, और जो आप कहते हैं ये ठेले वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले हैं, ये सलमान खान के फैन हैं। अरे यही असली इंडिया है, पब्लिक है, यही कारोबार करती, यही देश चलाती है, और यही लोग इस फिल्म को भी चलाएंगे, तो आपको यही ठेले वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, आम जनता, यही इस फिल्म को जब ब्लॉकबस्टर सुपरहिट बनाएगी ना, मैं देखता हूँ कि यार के भाई साहब आप क्या जवाब दोगे। आप देखते हैं इस बार आप कौन सा काला चश्मा लगाते हो, नीला चश्मा लगाते हो, कहाँ छुपके भागते हो। चलिए फिलहाल कितना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जाके इस फिल्म को देखिए, आपको फिल्म पसंद आएगी, और फैमिली के साथ देखिए, आप फिल्म को एंजॉय करेंगे। धन्यवाद।